सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे आपको थोड़े से टाइम पहले से जो ना स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक ₹1 से ऊपर में था, ₹1.10, ₹1.15 का इसका भाव था। वहाँ से स्टॉक नॉन स्टॉप टूट रहा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पर जो ना हाई लेवल से स्टॉक को उठाकर फंस चुके हैं। वो स्टॉक एक न्यू बाउंड वीक लो हमें बनाते हुए नजर आया जो कि है ₹80 का। आपके मन में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला यही है कि सर ये जो गिरावट हो रही है इसके पीछे का रीजन क्या है। एक्चुअली में आप देखोगे जीटीएल लिमिटेड जो कि जीटीएल ग्रुप की कंपनी है, आपने देखा होगा उसके द्वारा लगभग आप देखोगे 4760 करोड़ का बड़ा बैंक फ्रॉड किया गया है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, वो जाकर आप वॉच कर सकते हो। जो 4760 करोड़ का जैसे ही ये डाटा सामने आया, ठीक है, जैसे ये अपडेट सामने आई 4760 करोड़ के बड़े बैंक फ्रॉड की, उसी टाइम जीटीएल लिमिटेड और जीटीएल इंफ्रा दोनों शेयरों में लगभग हमें 20-20% के एलसी लगते नजर आए थे। जी हाँ, शुक्रवार को आपने देखा होगा दोनों स्टॉक 20-20% टूटे। तो ये सबसे बड़ा रीजन है इन स्टॉकों में गिरावट का, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है स्टॉक्स में गिरावट का। आज भी आप देखोगे स्टॉक सुबह 11% के आसपास नीचे में हमें जो ना भाई ओपन होते नजर आया, बिग फॉल स्टॉक में आज फिर से हुआ था। ठीक है, ये भी आपने देखा होगा। तो ये जो गिरावट हुई थी यही सबसे बड़ा रीजन है, उसके चलते आप देखोगे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। प्रीवियस सेशन में तो आपने देखा होगा अभी करोड़ों में इसके अंदर सेलिंग के लिए ऑर्डर लग चुके थे, 15-20 करोड़ सेलिंग के लिए ऑर्डर लगे हुए थे। और इन सब के साथ साथ आप देखोगे स्टॉक एलसी में लॉक होते हुए नजर आया। यहाँ से ये जो गिरावट है वो हमें कहाँ पर रुकते हुए नजर आ सकती है, आप देखोगे क्लोजिंग जो हुई है 85 पैसे पर हुई है, 80 पैसे का इसने लो लगाया था, तो स्टॉक आपको ऊपर में क्लोजिंग देते नजर आया है। तो कल के क्या हो सकते हैं लेवल्स वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। आज का जो डाटा देखने को मिला है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कल के दिन, वो भी आपको डिटेल में बताते हैं। तो यहाँ पर चलो भाई देखते हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सर हमने ₹1 के आसपास से उठा रखा है क्या करें। ठीक है, ₹1 से ऊपर में उठा रखा है क्या करें। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो स्टॉक को उठाकर फंसे हुए हैं, तो आपको डिटेल में बताएंगे क्या स्टॉक के अंदर इन फ्यूचर में तेजी बनेगी या फिर नहीं। उससे पहले आपको दिखाते हैं भाई इसके जो Q3 के न्यू आंकड़े आए हैं उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। चलिए वो आपको पहले दिखा देते हैं। Q3 के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे RSI MFI काफ़ी ज़्यादा लो रेंज में आ चुकी है, 13 पर RSI और MFI आप देखोगे 5-6 के आसपास है। ठीक है, तो चलो भाई देखते हुए जो न्यू आंकड़े आए हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स की हमें कोई होल्डिंग देखने को नहीं मिली है। FFI ने अपना जो स्टेक है वो प्रीवियस क्वार्टर में था वही अब की बार देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे प्रमोटर्स ने अपना जो स्टेक है वो यहाँ पर हमें जो ना भाई डिक्रीज करते नजर आई है प्रीवियस क्वार्टर से। ठीक है, लेकिन ज़्यादा डिक्रीज नहीं किया है, 0.01% के आसपास डिक्रीज किया है। और एक चीज़ और आप देखोगे सारी जो होल्डिंग है वो हमें प्लेज देखने को मिल रही है, 3% के आसपास होल्डिंग है वो सारी प्लेज है। यहाँ पर आप देखोगे भाई बल्क डील में 2017-22, ठीक है, जनवरी 2017-22 में काफ़ी ज़्यादा माल सेल किया गया था। उस समय भी बोला था भी ₹2.45 के आसपास तब था शेयर, तब बोला था भाई यहाँ से सेल कर तो निकल जाओ क्योंकि भी सारे निकल रहे हैं तो हम क्यों इसके अंदर बने। तो डेट अभी तक नहीं आई है। चलिए भाई आज का डाटा देख लेते कैसा निकल कर आया है, उसका क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई जो NSE के अंदर हमें वॉल्यूम लगती नजर आई है लगभग 8 करोड़ के आसपास वॉल्यूम लगी है। ठीक है, एक बड़ा सेल ऑर्डर यहाँ पर भी हमें देखने को मिल चुका है जो कि 21,73,000 क्वांटिटी का, तो काफ़ी बड़ा लगा हुआ मार्केट प्राइस पर। ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत बड़ा एक सेल ऑर्डर, लेकिन जो डिलीवरी पोजिशन देखने को मिला है ये काफ़ी शानदार देखने को मिला है। यहाँ पर आप देखोगे लगभग 60%, जी हाँ 60% डिलीवरी उठती हुई नजर आई है, ये अच्छी बात है। ट्रेडिंग क्वांटिटी आप देखोगे लगभग 8 करोड़ 1 लाख के आसपास और डिलीवरेबल 4 करोड़ 85 लाख के आसपास, तो 60% डिलीवरी उठी है, डिलीवरी अच्छी उठी है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो ये सेल ऑर्डर लगा हुआ है ना भाई, ये थोड़े जो ना आपको नेगेटिव वे में लेकर जा सकता है। तो यहाँ पर जो स्टॉक में करेक्शन आई थी उसका रीजन आपका क्लियर हो चुका है। अब मेन बात आती है स्टॉक हमें यहाँ से क्या रिकवरी लेते हुए नजर आ सकते हैं, या सच में शेयर आपको जो ना भाई 35 से जो ना 50 पैसे के लेवल दिखा देगा। देखो भाई स्टॉक में करेक्शन तो हो रही है, करेक्शन के पीछे का रीजन भी बहुत बड़ा है वो आपका क्लियर हुआ है, लेकिन जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमें जो ना भाई जो फिर से रिकवरी या फिर जो ना आप बोल सकते हो कि फिर से जो तेजी बनते नजर आ सकती है वो आप देखोगे नीचे में 65 का इसका जो ना भाई एसएल बन रहा है। ठीक है, स्टॉप लॉस आप जिसको लेकर चल सकते हो अगर आपने फ्रेश बाइंग की है या फिर करना चाहते हो तो 65 का एसएल लीजिए। अगर आप लोग चाहते हो कि हम जो ना भाई
हमें एवरेज किस लेवल पर करनी चाहिए। अगर स्टॉक 65 को नीचे में तोड़ता है, 65 को जैसे स्टॉक तोड़े 60 पर आए 55 पर आए, तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके आप लोग एवरेज करके जल्द से जल्द स्टॉक से निकलने के बारे में सोचना, न कि लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक के साथ चलने के बारे में। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि हम जो है थोड़े शॉर्ट पोजीशन बनाकर स्टॉक से बाहर निकल जाएं, ठीक है, थोड़ा बहुत मुनाफा बनाएं और बाहर निकले, शॉर्ट में जो है पैसा लगाएं और बाहर निकले, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रहेंगे वो मैंने आपको बता दिया। स्टॉक अगर आपको यहां से अगर आप स्टॉक को परचेज करना चाहो तो 65 पैसे का आपको एसएल लेना चाहिए। ठीक है, कल स्टॉक में गिरावट होगी फिर से तो नीचे में 65 का आपको एसएल और जो ना ऊपर में शेयर आपको जो ना ये अच्छे लेवल्स भी दिखा सकता है, क्या पता फिर से शेयर जो है आपको 1 रुपये के आसपास आते नजर आ जाए। लेकिन जो बैड न्यूज़ आई है ना उसके बिहेव पर अगर मैं बात करूं तो भाई शॉर्ट टर्म के लिए ना ही चलोगे तो बेहतर रहेगा। अगर फिर भी आप लोगों की जिद है तो आप लोग ये 65 का ऐसे लेकर चल सकते हो नीचे में, और जो लोग इसके अंदर फंसे हुए 1 रुपये से ऊपर में वो अपना जो लॉस होगा कैसे रिकवर करेंगे, जैसे स्टॉक आपको 65 से डाउन आते नजर आए तो वहां से एक छोटी इन्वेस्टमेंट नीचे से करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आपको एवरेज करनी है स्टॉक के अंदर, और एवरेज होते ही 5-10% स्टॉक अगर ऊपर में चले तो वहां से माल बेचकर निकल जाना। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे स्टॉक को लेकर। फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।